अब अगला क्वेश्चन ये बनता है, इसको ठीक कैसे करें। तो अगर आप ये ग्राफ देखो, ये ब्लैक वाली है बेस्ट डिमांड की लाइन हमारी, तो अगर एक्सेस हो गई यानी बहुत ज़्यादा हो गई है तो उसको आपको नीचे लाना पड़ेगा इस ब्लैक तक, और डेफिशिएंट है यानी बहुत नीचे चली गई है तो उसको बढ़ा के ऊपर लाना होगा। तो सिंपल बात है, हमें इस बेस्ट पे पहुँचना है, एक्सेस को कम करके बेस्ट पे पहुँचेंगे और डेफिशिएंट को बढ़ा के। तो यही मैंने यहाँ लिख रखा है, इन एक्सेस डिमांड हमें इसको डिमांड को घटाना है, एंड डेफिशिएंट डिमांड वी हैव टू इंक्रीज डिमांड। अब ये होगा कैसे ये देखते हैं। तो देखो, हमारे सिलेबस में दो हमारे पास पॉलिसीज़ हैं, एक फिस्कल पॉलिसी, एक मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट बनाती है, एंड मॉनेटरी पॉलिसी इज़ द पॉलिसी ऑफ आर सेंट्रल बैंक, एंड ऐसे हम RBI, इंडिया का सेंट्रल बैंक हो गया RBI। तो ये पता होना चाहिए हमें नाम, कि गवर्नमेंट वर्ड लिखा हुआ है पेपर में तो वी हैव टू एक्सप्लेन फिस्कल पॉलिसी, और RBI सेंट्रल बैंक वर्ड है तो मॉनेटरी पॉलिसी। और आगे देखते हैं इसकी डिटेल। अब देखो, फिस्कल पॉलिसी स्टार्ट करते हैं, तो मैंने बिल्कुल सिंपल वर्ड्स ही लिखे हैं, आप चाहे नोट भी कर सकते हो। फिस्कल पॉलिसी हो गया हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी। अब सबको पता है गवर्नमेंट के दो ही काम हैं, एक पब्लिक से पैसा लेना, एक पब्लिक पे पैसा खर्च करना। तो जिसको हम ऑफिशियल लैंग्वेज में, जो हमारे हमें पेपर में यूज़ करना है, कि एक तो इंस्ट्रूमेंट हो गया टैक्सेस, एंड सेकेंड इंस्ट्रूमेंट इज़ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक। अब करना क्या है हमें, बड़ा बेसिक तरीके से मैंने यहाँ लिख रखा है। मान लो डिमांड बहुत अभी कम है, लेस है डिमांड, और हम डिमांड को बढ़ाना चाहते हैं। तो डिमांड को बढ़ाना है मतलब लोगों तक मनी हमें ज़्यादा देना है, लोगों को ज़्यादा। तो अब हमें इसमें किस टाइप से सोचना है, कि अगर डिमांड बहुत कम है हमें उसको बढ़ाना है, तो हमें जो हमारी अब देखो, फिस्कल पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, और सबको पता है गवर्नमेंट के दो ही काम है, एक पब्लिक से पैसा लेना और एक पब्लिक पे पैसा खर्च करना। इसी को हम बोलते हैं टू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। पहला हो गया पब्लिक से पैसा लेना इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, और दूसरा खर्च करना, जिसे हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक या पब्लिक एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट। अब करना क्या है हमें इसमें, अगर डेफिशिएंट डिमांड है मतलब बहुत कम है डिमांड, तो हमें डिमांड बढ़ानी है, तो पब्लिक के पास जो पैसा है वो बढ़ना चाहिए। वो कैसे बढ़ेगा, तो हमें गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, पब्लिक पे टैक्सेस कम कर देने चाहिए और उनके ऊपर एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक के ऊपर गवर्नमेंट खर्चा करेगी, मार्केट में पैसा फैलेगा, तो लोग अपनी डिमांड बढ़ा पाएंगे। एंड रिवर्स है फॉर एक्सेस डिमांड, कि अगर एक्सेस डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही है पब्लिक, तो हमें उनकी डिमांड कम करनी है, उनकी मनी सप्लाई रोकनी है, तो फिर गवर्नमेंट ऐसे में टैक्सेस अपने बढ़ा सकती है, या जो खर्चा कर रही है अपना पब्लिक के ऊपर वो कम कर दे, ताकि देश की डिमांड कम हो। अब नेक्स्ट पॉलिसी है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी। ये मैंने पहले बताया, हमारे सेंट्रल बैंक यानी RBI बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी, ऐसे याद रख सकते हैं, मनी से रिलेटेड मॉनेटरी होगी। अब इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं हमारे, बैंक रेट, रेपो रेट और कई रेशियोज़ हैं, तो इसका मैंने यहाँ नोट डाल दिया, क्योंकि ये अपने आप में एक काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाएगा सारी पॉलिसीज़, तो इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट बता देता हूँ बस, कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे मान लो ये बैंक रेट, तो ये हो गया हमारे लोन्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बड़ी सिंपल सी है, ज़्यादा चाहे हम इसकी डिटेल में ना भी जाएं, इतना भी आप अगर समझो कि लोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ेगा तो जो पब्लिक है वो लोन कम लेगी, और पब्लिक अगर लोन कम लेगी तो फिर उनकी डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। तो बड़ा सिंपल सा शॉर्टकट ये है, सभी इंस्ट्रूमेंट्स में आपके लिए ये एप्लीकेबल है, मतलब चाहे आप याद कर पाओ ना कर पाओ। जैसे मान लो आपने, हमने यहाँ बोला ही स्टार्टिंग में ये था कि कुछ स्टूडेंट्स हैं लेट कर रहे हैं, इतना नहीं कर पा रहे, अगर वो तो आप इतना भी ध्यान रख लो कि ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स में एक बात कॉमन है, बैंक रेट, रेपो रेट, या हमारे रेशियोज हो गए CRR, LRR जो भी हैं, तो इनके अंदर अगर ये बढ़ेंगे तो इससे लोन्स जो हैं पब्लिक को जो मिलेंगे वो कम हो जाएंगे, और अगर लोन कम होंगे तो ऑटोमेटिक पब्लिक की डिमांड कम हो जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़,
अगर ये इंस्ट्रूमेंट्स ऊपर जा रहे हैं तो मनी सप्लाई और डिमांड नीचे जा रही है, या ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स अगर नीचे आ रहे हैं यानी कम हो रहे हैं तो उससे लोन्स और पब्लिक की डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये हमारा एक शॉर्टकट है।